हाँ बच्चों, तो लास्ट टाइम हम लोग आईआईटी वाले क्वेश्चन कर रहे थे। चाहिए थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, तो आपको मैं क्या बोला कि थोड़ा सा पेशेंस रख के उस क्वेश्चन को समझना था। अब देख लो उसको, दो चार पांच बार देख लो, जितना बार नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत आपको नहीं जाना चाहिए, ठीक है? और अच्छे से समझिए उसको, ज़्यादा दिक्कत नहीं जाना चाहिए। कुछ और क्वेश्चन करते हैं, है ना? बाइनोमियल अब ज़्यादा दिनों का नहीं रहा, इसकी आयु छोटी हो चुकी है। क्लियर हो? हाँ सर। चलिए चलिए कुछ और क्वेश्चन देखिए। फाइंड द सम ऑफ सीरीज, फाइंड द सम ऑफ सीरीज, फाइंड द सम ऑफ सीरीज सी जीरो स्क्वायर माइनस सी वन स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर माइनस सी थ्री स्क्वायर एंड सो ऑन। सही है? कहाँ कितना टर्म्स? एन टर्म्स तक। सही है? एंड लास्ट टर्म क्या आएगा? माइनस वन पे पावर एन इंटू सी एन स्क्वायर। इसका सम बताना है। क्या बताना है? इसका सम बताना है। क्लियर हो? हाँ सर। चलिए देखिए, इसके लिए क्या करेंगे? लेट एक वन प्लस एक्स पे पावर एन का एक्सपांशन। सही है क्या? हाँ सर। ये क्या हो जाएगा? एन हटा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, एन है छुपा हुआ, ऐसा नहीं कि एन हटाते हैं, ठीक है? ऐसा ही आएगा ना कुछ, कोई दिक्कत नहीं सर। सी एन एक्स पे पावर क्या? कोई दिक्कत नहीं सर। सही है? एक तो वन प्लस एक्स पे पावर एन है, एक क्या है? वन प्लस एक्स पे पावर क्या? एन। क्लियर हो? या चाहो तो पहले इसको लिखो ना यार, वन माइनस एक्स पे पावर एन को, ठीक है? ताकि अल्टरनेट में प्लस माइनस आ जाएगा आपका, है ना? इसलिए ऐसा कर रहे हैं। सही है? लास्ट वाले को लिखो या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं, लास्ट वाले को हटा ही दो, कोई दिक्कत नहीं सर। सही है? अच्छा, दूसरा क्या? x प्लस वन पे पावर क्या? n, क्योंकि पैरों का डिफरेंस या c0 इंटू c0, पैरों का डिफरेंस क्या है? कांस्टेंट है। तो इसका क्या हो जाएगा फार्मूला? x प्लस वन पे पावर n का ये हो जाएगा सर c0 x पे पावर क्या? n प्लस c1 x पे पावर क्या? n माइनस वन प्लस c2 x पे पावर क्या? n माइनस टू प्लस c3 x पे पावर क्या? n माइनस थ्री एंड सो ऑन। कोई दिक्कत? देख लो यार यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है? हाँ सर। अब चलिए, इसको वन प्लस एक्स बोलूँ या एक्स प्लस वन बोलूँ? बात तो कही है, तो वन प्लस एक्स इंटू वन माइनस एक्स, पावर तो सेम है ना, दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट मल्टीप्लाई क्या लिखोगे? सेकंड क्या जाएगा? वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर एन। सही है? वन माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर एन कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर दो इसको। किसको किसको मल्टीप्लाई करना है? ये दोनों को। एक्स पे पावर क्या आएगा वो मजेदार बात है, सी जीरो स्क्वायर। एक्स पे पावर क्या आएगा? एन, याद रखना। यहाँ ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस सी वन स्क्वायर एन माइनस वन और वन क्या? एक्स पे पावर एन आएगा इसमें भी, अगले वाले में भी क्या आएगा? एक्स पे पावर क्या? एन माइनस सी थ्री स्क्वायर, सब में एक्स पे पावर एन ही आ रहा है। आ रहा है? हाँ सर। कोई दिक्कत? एक्स पे पावर क्या? एन। देख लो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। यानी कहने और बाकी और चीज़ आएंगे मल्टीप्लाई करने से, ऐसा नहीं है सो कि मल्टीप्लाई करने से इतना ही हो गया। मतलब मेरा कहना यह है कि सी जीरो स्क्वायर माइनस सी वन स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर माइनस सी थ्री स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है किसके इक्वल है? कोफिशियंट ऑफ क्या? एक्स पे पावर क्या? एन। इन किस में? इसमें वन माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर क्या? एन। अब ध्यान देना, क्लियर हो? अब ध्यान देना, तो अपने को निकालना क्या है? अपना टास्क हो गया ये, कोफिशियंट ऑफ क्या? एक्स पे पावर एन इन वन माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर क्या? एन। मुझे एक बात बताओ, इस एक्सपांशन को ध्यान से सुनना, इस एक्सपांशन को अगर हम लोग ओपन करते हैं, इसको क्या आएगा? एन सी जीरो माइनस एन सी वन एक्स स्क्वायर प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब एक्स पे पावर क्या? फोर। क्या इस एक्सपांशन में एक्स का पावर कभी ऑड आ पाएगा? क्या बोल रहे हो सर, नहीं समझ में? अरे गधो, मैं ये बोल रहा हूँ, इसको खोलेंगे तो ऐसा ही कुछ मिलेगा, ऐसा ही मिलेगा ना, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर मतलब क्या? एक्स पे पावर फोर एंड सो ऑन। मैं बोल रहा हूँ क्या इस एक्सपांशन में कभी एक्स पे पावर ऑड आ पाएगा? नहीं,
एक्स पे पावर ऑड नंबर मिल पाएगा? नहीं सर, नहीं ना। तो इसमें दो केस बनेगा, इसमें दो केस, समझ गए, दो केस एराइज होगा। क्यों? क्योंकि अगर एन ऑड रहा, क्या रहा, एन ऑड, ये ऑड रहा, तो एक्स पे पावर ऑड नंबर तो इसमें आएंगे नहीं ना यार, नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हाँ सर, समझो बात को, इफ इफ एन इज ऑड, एन क्या है, ऑड है, एन क्या है, ऑड, तो एन ऑड रहेगा यार बच्चा, बातों को समझना, एन क्या रहेगा, ऑड रहेगा, क्लियर हो, इसको फर्स्ट लिखना, इसको सेकंड मिटा रहा हूँ साइड में थोड़ा सा, है ना। अगर एन ऑड रहा तो क्या एक्स पे पावर ऑड नंबर मिलेगा इसमें? नहीं सर। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि सर एन ऑड रहा तो देयरफॉर, सही है, एन क्या रहा, ऑड रहा, तो सी जीरो स्क्वायर माइनस सी वन स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर माइनस सी थ्री स्क्वायर एंड सो ऑन की वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो, अगर एन ऑड रहा तो, एन क्या रहा, ऑड रहा तो, और इफ एन इज इवन, एन क्या रहा, इवन रहा, एन क्या रहा, इवन, तब एक्स पे पावर इवन नंबर ही सिर्फ इसमें मिल रहे हैं। आपको चाहिए क्या, एक्स पे पावर एन का कोफिशियंट, एक्स पे पावर क्या, एन का। तो इसको एक्सपांसन कर रहे थे, जैसे एन सी जीरो माइनस एन सी वन एक्स स्क्वायर आ रहा था प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर का स्क्वायर मतलब एक्स पे पावर फोर, तो एक्स पे पावर एन चाहिए तो वो कहां पे आएगा, एन सी एन बाई टू में आएगा। क्यों? एन सी एन बाई टू एक्स स्क्वायर पे पावर एन बाई टू, टू से टू कैंसिल, एक्स पे पावर एन आ रहा है ना, तो एन एन क्या रहा, इवन रहा, तो कोफिशियंट ऑफ एक्स पे पावर एन मिल जाएगा। और कहां पे मिलेगा, सुन लो मेरी बात, इसमें, किसमें, एन सी एन बाई टू में, एन सी क्या, एन बाई टू में, सही है। देख लो यार, कुछ गलती नहीं हुआ क्या, देखो तो, हाँ नहीं सही है, सही, एक्स पे पावर एन, एन सी एन बाई टू। अच्छा एक चीज ध्यान देना कि अल्टरनेट में इसमें प्लस माइनस आएंगे, मैं यहाँ पे लिख ही दे रहा हूँ, देख लो इसको थोड़ा समझना, ऐसे एन सी जीरो माइनस एन सी वन एक्स स्क्वायर प्लस एन सी टू एक्स पे पावर फोर माइनस एन सी थ्री एक्स पे पावर क्या, सिक्स एंड सो, सही है, सही है। अच्छा और एक्स स्क्वायर के साथ माइनस है ना यार, तो माइनस वन पे पावर एन बाई टू आएगा, पहले तो आएगा माइनस वन पे पावर क्या, एन बाई टू, सही है, प्लस माइनस अल्टरनेट में आ रहे हैं ना, हाँ, और एन सी क्या, एन बाई टू, ये आएगा एन सी क्या, एन बाई टू, देख लो यहाँ, सही है, हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं सर। तो इसके दो आंसर होंगे, इसके कितने आंसर होंगे, दो आंसर होंगे, जैसे मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब ये हुआ इसके दो आंसर कैसे होंगे, मिटाना इधर, ऐसे आपको याद रखना है सीधा, सही है, और डेरिवेशन भी देख लीजिए ढंग से, हो सकता है आपको ढंग से समझ में नहीं आया तो उसको बार बार रिपीट कीजिए, ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। माइनस वन पे पावर एन बाई टू क्यों आया, क्योंकि अल्टरनेट पर प्लस माइनस चल रहा था, और माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर क्या, एन बाई टू ही आएगा ना, इसलिए अरे भाई आप ओपन करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर क्या दोगे, एन बाई टू, तभी तो एक्स पे पावर एन आएगा ना, हाँ सही है, ऐसा ही ना, हाँ क्लियर हो, इसलिए ऐसा लिखा गया। सही है, हाँ सर, तो मेरा कहना ये है कि आज के बाद आप यह चीज को याद रखोगे, किसको, कि सर सी जीरो स्क्वायर माइनस सी वन स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर माइनस क्या सी थ्री स्क्वायर एंड सो, इसकी दो वैल्यू आती है, इसकी कितनी वैल्यू आती है, दो, इसकी एक वैल्यू तो जीरो होगी और एक वैल्यू क्या होगा, माइनस वन पे पावर एन बाई टू और क्या एन सी एन बाई टू, क्लियर हो, सही है, कितनी वैल्यू होगी इसकी, दो वैल्यू, और ऐसा कब, एन इज ऑड, एन ऑड रहा तब, और ऐसा कब, एन इज इवन, क्लियर हो, तो इसको सीधा आप याद रखें ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, सही है, हाँ सर, इसको सीधा याद रखें तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो, कितना याद करेंगे सर, याद हो जाएगा यार, प्रैक्टिस करो क्वेश्चन, तो ऐसा नहीं है, क्लियर हो। जैसे आपसे कोई पूछ दे कि ये भाई बताओ 15C0 का स्क्वायर माइनस 50C1 का स्क्वायर, सही है, प्लस 15C2 का स्क्वायर माइनस 15C3
3 का स्क्वायर एंड सो ऑन, सही है, एंड सो ऑन, क्लियर हो। और लास्ट एन तक जाएगा तो लास्ट वाला टर्म माइनस में आएगा, माइनस 15c 15 का स्क्वायर। पूछेगा इसकी वैल्यू बताओ, इसकी क्या बताओ, वैल्यू बताओ, क्या आएगा, जीरो आएगा, क्यों सर, एन इज ऑड, एन कितना है 15 है, एन की वैल्यू कितना है 15 है, बिकॉज एन इज क्या ऑड, सीधा सीधी खत्म बात, समझ आया। जैसे आपसे पूछ दूँ, चलो भाई बताओ 20c0 का स्क्वायर है ना माइनस 20c1 का स्क्वायर प्लस क्या 20c2 का स्क्वायर, मतलब एन ऑड दिखा तब तो जीरो लिख देना सीधा ऐसे वाले में, सही है, हाँ सर। लास्ट में 20c20 का स्क्वायर, सही यहाँ तक, सही है, हाँ। अच्छा तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, माइनस वन पे पावर एन बाई टू, माइनस वन पे पावर क्या एन बाई टू, और क्या एन सी एन बाई टू, सही है, एन सी क्या एन बाई टू। अच्छा एन की वैल्यू कितना है 20, एन की वैल्यू कितना है 20, तो माइनस वन पे पावर कितना हो जाएगा 20/2 एन 10 यानी प्लस वन, सही है, ये प्लस वन बन जाएगा, इन टू एन की वैल्यू कितना 20 और सी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। देख लो भाई, सही है, हाँ सर, मिटा रहा हूँ भाई। तो इसको अपने को क्या करना है, ढंग से याद रखना है, कोई दिक्कत आपको नहीं जाना चाहिए। चलिए यहाँ तक कोई समस्या नहीं है सर, कुछ और क्वेश्चन करते हैं अपन, सही है। बाइनोमियल अब ज़्यादा दिन का नहीं रहा, कुछ कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, और चैप्टर को अंतिम की तरफ लेकर चलते हैं, सही है यहाँ तक, हाँ सर। कुछ कुछ क्वेश्चनों में जैसे क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन देखे, प्रूफ दैट, क्वेश्चन है कि प्रूफ दैट, आपको प्रूफ करना है, सही है, एन माइनस वन, एक क्वेश्चन ये नहीं है यार, एक मिनट, सॉरी मैं क्वेश्चन भूल रहा हूँ, हाँ ये, हाँ प्रूफ दैट समेशन ऑफ, क्या करना है, प्रूफ करना है समेशन ऑफ आर स्टार्टेड फ्रॉम वन टू एन एन माइनस वन सी आर माइनस वन, एन माइनस वन सी आर माइनस वन इंटू एन सी आर इंटू क्या एन सी आर, सही है। इज इक्वल टू, आपको जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है टू एन माइनस वन सी एन माइनस वन, देखिए ये क्वेश्चन है, सही है, 2n-1 सी एन माइनस वन आर स्टार्टेड फ्रॉम 1 to n, सही, बढ़िया क्वेश्चन। चलिए क्या करें, LHS से चलते हैं भैया, कहाँ चलते हैं, LHS से। LHS क्या लिखा हुआ है, LHS लिखा हुआ है सर समेशन ऑफ आर स्टार्टेड फ्रॉम 1 to n, क्वेश्चन को देख के मत डरो, n-1 सी आर माइनस वन इंटू क्या एन सी आर, सही है, इंटू क्या एन सी आर, सही है, हाँ सर। अच्छा अब क्या करोगे, यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा दिमाग लगाते हैं, सही है, यहाँ से क्या करते हैं कि समेशन ऑफ आर स्टार्टेड फ्रॉम 1 to n, सही है, हाँ सर। ये लिखा हुआ एन माइनस वन, इसमें क्या करो ना, थोड़ा सा जीरो से है या फिर वन से है यार, कहाँ से है वन, चलो कोई दिक्कत नहीं, हाँ ठीक है वन से ही है, चलो क्या करें, सुनो मेरी बात ध्यान से, एन सी आर की वैल्यू क्या होता है, एन बाई आर एन माइनस वन सी आर माइनस वन, यही होता है, होता है ना, हाँ सर। तो हम लोग क्यों ना ऐसा करें कि इसमें एन बाई आर का मल्टीप्लाई कर लें, एन बाई आर का मल्टीप्लाई कर लें और उसी आर बाई एन को उल्टा मल्टीप्लाई कर दिया, तो आर से आर कैंसिल, एन से एन, ये अपने मन से कर रहा हूँ स्टेप, सही है, हाँ सर। अब यहाँ क्या जाएगा, देख लो, हो जाएगा आसानी से, एन माइनस वन सी आर माइनस वन इंटू क्या एन सी आर, सही यहाँ तक, हाँ सर। अच्छा अब इसको मिला के क्या लिखोगे, ये वाली चीज को मिला के एन सी आर लिखोगे, हाँ सर। तो कितना हो जाएगा, ये जाएगा समेशन ऑफ आर स्टार्टेड फ्रॉम कहाँ से, वन से कहाँ तक, एन तक,
आर बाई एन, वन बाई एन कॉन्स्टेंट होगा, उसको बाहर निकाल लो। वन बाई एन कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और अंदर कौन रह जाएगा, आर इंटू कितना हो जाएगा एन सी आर, ये एन सी आर हो जाएगा और ये भी क्या एन सी आर, तो एन सी आर का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। सही है, देख लो भाई कोई दिक्कत नहीं सर, सही है। अब इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एस, क्या बोलते हैं इसको, एस। उधर वाला मिटा रहा हूँ वो चीज़ को, और इसको सोल्व करके यहाँ पे वैल्यू क्या करेंगे, पुट अप कर देंगे। तो इसको बोलेंगे लेट एस इज इक्वल टू क्या, आर इंटू समेशन ऑफ आर स्टार्टेड फ्रॉम वन से एन, वन से एन एन सी आर का क्या स्क्वायर, एन सी आर का क्या स्क्वायर। सही है, अब उसको ओपन कर दो, क्या करेंगे उसको ओपन कर देंगे, आर तो अंदर ही रहेगा यार, सॉरी है ना, इतना को एस बोला हूँ ना, ये वाले को, ये वन बाई एन को छोड़ दिया अभी फिलहाल, फिलहाल वन बाई एन को क्या किया हूँ, छोड़ दिया। सही है, हाँ सर, अब ध्यान देना, अब इसको सोल्व करते हैं, नाउ आगे बढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, एस की जो वैल्यू आएगा, ओपन करो उसको, सिग्मा को वन रखोगे तो वन इंटू एन सी वन का स्क्वायर, क्या जीरो अपनी मर्जी से ले लें क्या, जीरो इंटू एन सी जीरो का स्क्वायर, क्योंकि वो तो जीरो है, हाँ सर ले लो कोई दिक्कत नहीं है। अरे ये नहीं आएगा, मैं मानता हूँ कि जीरो नहीं, जीरो वाला नहीं दिया है, लेकिन क्या इसको अपनी मर्जी से क्रिएट कर लें तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर, क्योंकि ये तो जीरो है, हाँ सर, वन इंटू एन सी वन का स्क्वायर, सही है, प्लस टू इंटू क्या एन सी टू का स्क्वायर, प्लस एन इंटू क्या एन सी एन का स्क्वायर। सही है, देखो यहाँ तक देखो भाई, एन इंटू क्या एन सी एन का स्क्वायर, सही है, हाँ सर। अब उसको क्या करते हैं, पलट के लिखते हैं, है ना, कोफिशिएंट भी मैंने यार, हाँ सर, तो पलट के लिखोगे तो यहाँ क्या जाएगा, यहाँ जाएगा एन इंटू क्या एन सी एन को क्या लिखेंगे, एन सी जीरो का स्क्वायर, उसके पहले कौन रहा होगा एन माइनस वन, और एन सी एन माइनस वन की वैल्यू क्या हो जाएगा एन सी वन, तो एन सी वन का स्क्वायर, एंड ऐसे ही जाने दो, इसको बोल दो सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं सर, दोनों को ऐड कर दो, फर्स्ट प्लस क्या लिखोगे सेकेंड, एस और एस कितना हो जाएगा टू एस, एस और एस कितना हो जाएगा टू एस, अच्छा यहाँ एन, यहाँ भी ऐड करने से कितना एन, तो एन बाहर आ जाएगा, आएगा हाँ सर, तो कितना हो जाएगा एन सी जीरो का स्क्वायर प्लस एन सी वन का स्क्वायर प्लस क्या एन सी टू का स्क्वायर, कहाँ तक एन सी एन का स्क्वायर तक, यानी उसकी वैल्यू क्या आ जाएगा टू एन सी एन। अपने को चाहिए क्या, ये तो एस है ना यार, एस बाई एन ही चाहिए ना, अरे भाई बाई एन है ना नीचे में, हाँ तो एन को इधर ले आओ, तो एस बाई एन की वैल्यू जो आ जाएगा, और वन बाई टू को उधर लेके जाओ, टू एन सी एन के इक्वल हो जाएगा, आएगा हाँ सर। अब सुनो मेरी बात, क्या टू एन बाई एन को बाहर निकाल सकते हैं, हाँ सर, तो क्या आ जाएगा टू एन माइनस वन सी एन माइनस वन, सही, एन से एन का आंसर हो जाएगा, टू से टू का आंसर हो जाएगा, तो कितना जाएगा टू एन माइनस वन सी एन माइनस वन, देख लो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, देख लो बहुत आसान क्वेश्चन है, सही है, हाँ सर आराम से देख लीजिए, स्क्रीन पॉज कीजिए फटाक से, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझा दे रहा हूँ एक बार और, आपको अगर दिक्कत गया है तो सुन लीजिए, क्वेश्चन ये था, एल एच एस ये था, मैंने इसको देखा, अगर इसमें एन बाई आर बाहर उतारूँ, किसको एन बाई आर को, तो क्या बनेगा एन माइनस वन सी आर माइनस वन बनेगा, हाँ ठीक है, तो मैं क्या किया हूँ कि इसको भी एन सी आर बनाना चाहता हूँ, इसको ये वाली चीज़ को, इसको भी क्या बनाना चाहता हूँ एन सी आर, अरे यार कचरा हो गया है ना, आर स्टार्टेड फ्रॉम वन टू एन, और यहाँ पे आर था, सही है, तो इसको भी मैं एन सी आर बनाना चाहता हूँ, कौन सी चीज़ को, ये वाले को, तो इसके लिए मुझे एन बाई आर चाहिए, हाँ सर, तो एन बाई आर का यहाँ पे क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, तो उल्टे में एन का डिवाइड भी किया और आर का ऊपर में मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि वन बाई एन कहाँ आ गया, बाहर रह गया, आर यहाँ रह गया, अब इसको मिला क्या लिख दिया एन सी आर का स्क्वायर, फिर सोल्व कर दिया सीधा, ठीक है, ये सजूम करके, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीन पॉज कीजिए फटाक से, अच्छे तरीके से लिख लीजिए उसको, ठीक है, हाँ सर। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं, मिटा रहा हूँ भाई, मिटा रहा हूँ, एक आईआईटी में पूछा गया था क्वेश्चन, उसको भी करते हैं अपन, आराम आराम से करो, क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगा, ठीक है, हबड़ाओ को बहुत दिक्कत आएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, प्रूफ दैट, आपको प्रूफ करना है, क्या करना है, प्रूफ करना है, टू पे पावर के, टू पे पावर क्या
के एन जीरो, आपको ऐसे फैशन में मैं लिखने का सिखाया हूं, एन के कोई दिक्कत नहीं सर, माइनस टू पे पावर के माइनस वन, टू पे पावर क्या के माइनस वन एन वन, सही है एन वन, और यहां पे एन माइनस वन के माइनस वन, एन माइनस वन और क्या के माइनस वन, प्लस टू पे पावर के माइनस टू, और यहां पे एन टू एन माइनस टू के माइनस टू, सही है एन माइनस टू के माइनस टू एंड सो ऑन, है ना माइनस उसके बाद एंड सो ऑन, क्लियर हो? हाँ सर। प्लस माइनस वन पे पावर एन, माइनस वन पे पावर क्या एन, और फिर है एन के, क्या है एन के, मतलब जीरो से कहां तक गया के तक, क्लियर हो? और यहां पे देखो एन माइनस वन एन माइनस टू होते जा रहा था, तो यहां पे आ जाएगा एन माइनस के, और यहां पे के माइनस के कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा, सही है। इजुकस टू जो प्रूफ करना है आपको, दैट इज इजुकस टू क्या प्रूफ करना है एन के, क्या प्रूफ करना है एन के, क्लियर हो? हाँ सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है, हड़ाना बिल्कुल नहीं, आराम आराम से करना है क्वेश्चन को। पहली बात आप समझे कि सबसे पहले इस क्वेश्चन के लेचे साइड को सिग्मा फॉर्म में लिखा जाएगा, किस फॉर्म में लिखा जाएगा सिग्मा फॉर्म में, यहां पे देखो चीजें बदल रही है, जीरो वन टू ऐसे करते गया कहां तक के तक, तो हम लोग लिखेंगे समेशन ऑफ, समेशन ऑफ, और यहां पे वेरिएबल क्या रखोगे आर रख लो, सही है आर स्टार्टेड फ्रॉम, आर स्टार्टेड फ्रॉम कहां से वन से कहां तक के तक, अल्टरनेट में प्लस माइनस है तो माइनस वन पे पावर क्या लिख लोगे आर दिखा जाएगा। हाँ सर, अब सुन लो मेरी बात, इसको छोड़ दो अभी, थोड़ा सा इसके लिए स्पेस रहने देना, यहां पे क्या लिख देना एनसीआर, एनसीआर, और यहां पे क्या, यहां पे एन माइनस क्या आर, सही है एन माइनस आर, और सी क्या के माइनस आर, के माइनस आर मैं आपको समझा दे रहा हूं, और टू पे पावर के माइनस आर कुछ ऐसा लिखा जाएगा, कैसे एन में से चीजों को माइनस कर रहे थे, यहां एन माइनस जीरो, यहां भी क्या एन माइनस जीरो, सही है नहीं, ये तो फिक्स है ना यार, हाँ तो यहां एन सी आर लिख दिया, यहां पे क्या एन माइनस जीरो, यहां एन माइनस वन, वहां एन माइनस टू, सही है। अब यहां पे देखो, यहां पे जो चीज है वो बदल रहा है नीचे जो है, तो देखो ना आर की वैल्यू अगर कितना जीरो शुरू करोगे ना, हाँ जीरो से शुरू करोगे तो टू पे पावर कितना आ जाएगा के माइनस जीरो, टू पे पावर के, ये तो बना जाएगा, तो टू पे पावर के है, और यहाँ क्या एन सी जीरो है, और यहाँ जीरो रखोगे तो यहाँ कितना जाएगा, यहाँ जाएगा एन सी के, सही है क्लियर हो? अगर वन रखोगे तो माइनस वन पे पावर वन माइनस, ठीक है, और टू पे पावर के माइनस वन, सही है एन सी क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, एन माइनस वन और क्या सी के माइनस वन, ऐसे ही रख के रख के चेक कर लो, थोड़ा सा दिमाग लगा के आपको इसको सिग्मा फॉर्म में लिखना है। कैसे, ध्यान देना कि मैं देखा यहाँ पे चीजें चेंज हो रही है, यहाँ जीरो वन टू, सही है, तो यहाँ लिख दिया एन सी आर, सही है। अब यहाँ की जो चीजें हैं, जो सेकंड वाला चीज है, हर एक टर्म में देखो, यहाँ एन माइनस जीरो के माइनस जीरो, एन माइनस वन के माइनस वन, एन एन माइनस टू के माइनस टू, तो यहाँ क्या लिख दिया एन माइनस आर के माइनस आर, आर की वैल्यू कहाँ जीरो से कहाँ तक के तक, सही है। और टू पे पावर भी देखो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, टू पे पावर के माइनस जीरो है, टू पे पावर के माइनस वन ऐसे करके, सही है। तो माइनस वन पे पावर क्या लिख दिया आर, क्यों प्लस माइनस में, अल्टरनेट में क्या है प्लस माइनस, सही यहां तक। हाँ सर, अच्छा अब ध्यान देना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। अब क्या जाएगा, समेशन ऑफ आर स्टार्टेड फ्रॉम कहां तक, जीरो से कहां तक के तक, माइनस वन पे पावर आर, माइनस वन पे पावर क्या आर, और टू पे पावर क्या के माइनस आर, टू पे पावर क्या के माइनस आर। अब इसको ओपन कर दीजिए, ये हो जाएगा फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल क्या एन माइनस आर, सही यहां तक। हाँ सर, अभी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फैक्टोरियल एन माइनस आर, सही है, डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल के माइनस आर, सही है। और ये दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई, ये दोनों का डिफरेंस हो जाएगा एन माइनस के, देखो तो सभी सही लिखा हुआ है। हाँ सर, देख लो भाई, फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल एन माइनस आर, ठीक है, फैक्टोरियल एन माइनस आर, फैक्टोरियल के माइनस आर, फैक्टोरियल, ये दोनों का डिफरेंस कितना एन माइनस के, ये से ये तो गायब हो जाएगा, गायब होगा। हाँ सर, देख लो भाई, सही है यहाँ तक, बिल्कुल सही है, ठीक है, यहाँ तक देख लो आराम से, अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत आपको नहीं जाना चाहिए, ठीक है। हाँ सर, अब क्या करें,
थोड़ा दिमाग लगाते हैं। समेशन ऑफ आर स्टार्टेड फ्रॉम जीरो से कहां तक, के तक, माइनस वन पे पावर, डरना मत, आर, और टू पे पावर क्या, के माइनस आर, सही यहां तक। हाँ सर, ये क्या लिखा हुआ है, फैक्टोरियल एन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, फैक्टोरियल एन। इसके नीचे ले आओ किसको, फैक्टोरियल एन माइनस के को, सही है, सही है। ऐसा क्यों सर, मैं बताऊंगा। और क्या करो, एक क्वेश्चन आप ऐसा किए थे, फैक्टोरियल के का मल्टीप्लाई, फैक्टोरियल के का क्या कर लो, डिवाइड कर लो। तो फैक्टोरियल के का यहाँ पे डिवाइड क्यों होते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई और नीचे में फैक्टोरियल आर और नीचे क्या, फैक्टोरियल के माइनस आर, सही है। देखो यहाँ तक सही है, हाँ सर, कुछ कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब समेशन ऑफ आर स्टार्टेड फ्रॉम जीरो से के माइनस वन पे पावर क्या, आर, टू पे पावर क्या, के माइनस आर। और ये किसकी वैल्यू लिखा हुआ है, ये तो लिखा हुआ है एन सी के, क्या लिखा हुआ है, एन सी के। और ये क्या है यार, ये क्या लिखा हुआ सर, के सी आर, क्या लिखा हुआ है, के सी आर, सही है, हाँ सर। अब ध्यान देना, एन सी के यहाँ पे वेरिएबल कौन है भाई, आर, वेरिएबल कौन है, आर ना, तो एन सी के क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट, तो कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा, हाँ सर, तो उसको बाहर ले आओ, किसको, एन सी के को, तो एन सी के बाहर आ गया। तो अंदर में क्या चीज बच गया, अंदर बच गया सर आर स्टार्टेड फ्रॉम जीरो से के माइनस वन पे पावर क्या, आर, माइनस वन पे पावर क्या, आर, और इंटू के सी आर, इंटू क्या, के सी आर, और टू पे पावर क्या, के माइनस आर, सही है, टू पे पावर क्या, के माइनस आर, क्लियर हो, देख लो यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं सर। और इंटू माइनस वन पे पावर आर भी लिख सकते हो आप चाहो तो, इधर लिख लो इसको, ऐसे लिख लो ऐसे, के सी आर, सही है, इंटू टू पे पावर क्या, के माइनस आर, और माइनस वन पे पावर आर, ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं। इसको देखो तो यार क्या लिखा हुआ है, ये वाले चीज को, इसको देखो अच्छे तरीके से, इसको समझो क्या लिखा हुआ है, क्या बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखा हुआ सिग्मा फॉर्म में, हाँ सर लिखा है ना, एन सी के किसका एक्सपेंशन लिखा हुआ है, ये तो लिखा हुआ है सर टू माइनस वन, टू माइनस वन पे पावर क्या, के, उसको ओपन करो तो ऐसा ही आएगा ना सिग्मा फॉर्म में, हाँ, टू माइनस वन क्या होता है, वन, वन पे पावर क्या, के, क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, एन सी के, यही लाना था अपने को, एन के मतलब क्या, एन सी के, क्लियर हो, देख लो यहाँ तक, सही है सर, थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन है, एडवांस वर्जन के, थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, इतने आसानी से नहीं बनते, मतलब बढ़िया टाइप का दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, आप सोचोगे बिल्कुल आसानी से बन जाए तो बिल्कुल दिक्कत आएगा आपको, सही यहाँ तक, हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं, मिटा रहा हूँ भाई, देख लो, देख लो मिटा रहा हूँ, ठीक है, हाँ सर, तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। इन लिखिए, इन एक्स माइनस सी वन बाई सी जीरो, इन एक्स माइनस क्या, सी वन बाई सी जीरो, और फिर लिख लीजिए एक्स माइनस, एक्स माइनस टू स्क्वायर, एक्स माइनस क्या, टू स्क्वायर सी टू बाई सी वन, एक्स माइनस, एक्स माइनस थ्री स्क्वायर सी थ्री बाई सी टू एंड सो, क्लियर हो, हाँ सर, यहाँ पे वन स्क्वायर है ना छुपा हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और फिर लास्ट में क्या, एक्स माइनस फिफ्टी स्क्वायर, सही है, एक्स माइनस फिफ्टी स्क्वायर सी फिफ्टी बाई क्या, सी फोर्टी नाइन, सी फिफ्टी बाई क्या, सी फोर्टी नाइन, फाइंड कोफिशियंट ऑफ, फाइंड कोफिशियंट ऑफ एक्स पे पावर क्या 49, थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है, सही है, फाइंड कोफिशियंट ऑफ क्या एक्स पे पावर 49। ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक से मिक्सअप क्वेश्चन है, बाइनोमियल कम है, क्वाड्रेटिक ज़्यादा है इसमें, क्लियर हो, हाँ सर। मुझे ये बता दो बस, ये कितने फैक्टर मल्टीप्लाई में है आपस में, 50 फैक्टर कैसे पता लगा सर, 1 2 3 कहाँ तक गया, 50 तक ऊपर में, देखो ना, है कि नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि इसको मैं A1 बोल दूँ पहले वाले टर्म्स को, इसको A2 बोल दूँ, सही है, या कुछ और बोल दूँ, या अल्फा 1 बोल दूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, x माइनस अल्फा 1, इसको अल्फा 1 बोल रहा हूँ, सही है यहाँ तक,
हाँ सर, क्या बोल रहा हूँ उसको, अल्फा वन, तो उसको बोल दूँ क्या x माइनस अल्फा वन, और इसको क्या बोल दूँ x माइनस क्या, सेकंड वाले को, सेकंड वाले को क्या बोल दूँ, x माइनस क्या अल्फा टू, x माइनस क्या अल्फा टू, सही है। थर्ड वाले क्या बोल दूँ, x माइनस क्या अल्फा थ्री, एंड x माइनस क्या अल्फा फिफ्टी, फिफ्टी रूट्स है। इनको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो x का मैक्सिमम पावर कितना आएगा, 50 आएगा, और x पे पावर 50 का कोफिशियंट तो वन ही रहेगा, बिकॉज ये सब सामने में कोई मल्टीप्लाई में नहीं है, कुछ नहीं, सब ना x माइनस में लिखा हुआ है, सही है। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं सर, प्लस प्लस, सही है। और यहाँ पे क्या मान लो, क्या a x पे पावर क्या 49, सही है, या फिर f 49 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस b x पे पावर क्या 48, मुझे आज ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ऐसा ही कुछ आएगा। हाँ सर, ये तो एक पॉलिनोमियल हुआ ना यार, हुआ, इस पॉलिनोमियल के कितने रूट्स हैं, 50 रूट्स हैं, और यहां से x पे पावर 49 किसको कनेक्ट करता है, सम ऑफ रूट्स को, नहीं समझ में आया सर। अरे भैया, ये पॉलिनोमियल को ऐसे लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, सही है। अच्छा, इसमें मुझे अगर सम ऑफ रूट्स चाहिए, क्या चाहिए, सम ऑफ रूट्स, इस पॉलिनोमियल का, इधर राइट साइड वाले का क्या चाहिए, सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ये भाई ये, सही है। और ए क्या है, ए इज इक्वल टू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पे पावर 49, इसी की वैल्यू तो चाहिए अपने को। हाँ सर, ये तो बात सही बोल रहे सर, तो ए की वैल्यू कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू हो जाएगा माइनस ऑफ क्या, सम ऑफ रूट्स, खत्म, क्वेश्चन ही खत्म, सही है। हाँ सर, तो माइनस सम ऑफ रूट्स, रूट्स क्या है, रूट्स मतलब अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री, ये सब रूट्स है ना। हाँ सर, तो माइन क्या आ जाएगा, सी वन बाई सी जीरो, सी वन बाई क्या सी जीरो, प्लस क्या टू स्क्वायर इंटू क्या सी टू बाई क्या सी वन, सही है, प्लस फिर क्या थ्री स्क्वायर इंटू क्या सी थ्री बाई क्या सी टू, इसी को सोल्व करना है, एंड सो ऑन, कहाँ तक, कहाँ तक सर, फिफ्टी स्क्वायर इंटू क्या, फिफ्टी स्क्वायर इंटू क्या सी फिफ्टी बाई क्या, सी फिफ्टी बाई क्या 49, यही ना। हाँ सर, इसी को तो सोल्व करना है, सही है। हाँ सर, तो सोल्व कर लो इसको, सोल्व कैसे करोगे, पहले आप ये दोनों रेशियो निकाल लो, ये सब रेशियो, समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। अरे भाई, ये दोनों जो रेशियो हैं वो कंटिन्यूस रेशियो है ना, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि आपको जो चाहिए वैल्यू वो एन सी आर डिवाइडेड बाई क्या एन सी आर माइनस वन की वैल्यू चाहिए, सही है। और एन की वैल्यू कितना है, 50 है, सही है, 50 है ना यार, नहीं एक मिनट, एन की वैल्यू, हाँ एन ही रखना चाहिए, एन की वैल्यू कितना रखोगे, एन ही रखोगे ना मेरे ख्याल से, हाँ एन तक ही रखोगे, एन की, हाँ एन छुपा हुआ तो एन ही रखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे एन सी 50 क्या लिखा हुआ, एन सी 49 लिखा हुआ है, सही है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब इसको सोल्व कर लीजिए कितना आ रहा है, इसको सोल्व करो तो फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई क्या फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, और इसमें फैक्टोरियल एन नीचे आ जाएगा, फैक्टोरियल आर माइनस वन ऊपर जाएगा, और एन माइनस आर प्लस वन हो जाएगा, सही है। देख लो ये से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये आर बाहर आ जाएगा, वो आर माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, तो बस कितना जाएगा, एन माइनस आर प्लस वन डिवाइडेड बाई क्या आर, सही है। हाँ सर, सोल्व कर लो इसको, ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ पीछे में, आप जाकर देखना, सही है, या फिर चाहो तो सिग्मा फॉर्म में करके सोल्व कर लो, सिग्मा फॉर्म में मैं करवाया हूँ, सी एन स्क्वायर तक जाकर देखो पीछे में, ये क्वेश्चन जस्ट यही क्वेश्चन करवाया हुआ है, डिट्टो यही क्वेश्चन है, नहीं दिक्कत जाएगा, इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूँ इसको, सही है। यहाँ पे आर स्क्वायर है, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, और एक सिंपल सा सीरीज में डिट्टो सेम क्वेश्चन करवाया हुआ, पीछे जाकर देखिए, मैं बार बार नहीं कराऊंगा, ठीक है। हाँ सर, मिटा रहा हूँ भाई, यहाँ से मतलब इसको सोल्व करना है आपका काम है, क्लियर हो, डिट्टो सेम क्वेश्चन कराया हुआ है, पीछे दो तीन लेक्चर जाइए, यही वाला क्वेश्चन देखियो, डिट्टो ये क्वेश्चन करवाया हुआ है, ठीक है, ये सही है, शायद एन एन तक करवाया हुआ मेरे ख्याल से, यहाँ पे एन स्क्वायर है तो उसमें एन की वैल्यू रख लेना, क्लियर हो। हाँ सर, ठीक है।